बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर व वकील के घर चलाई गोलियां, वॉइस मैसेज भेज कर मांगी 50 लाख की रंगदारी। प्रॉपर्टी डीलर जय प्रकाश ने बताया कि उनका आजाद नगर में ही प्रॉपर्टी का काम है। रात को वे सभी अपने घर सोए हुए थे। रात करीब 11:30 बजे बाइक पर आए दो बदमाश घर पर गोलियां चलाकर फरार हो गए। उसके बाद उनके मोबाइल पर 50 लाख रुपए मांगने का वॉइस मैसेज आया। स्कूल संचालकों की मनमानी, नियमों को ताक पर रखकर फर्राटा भर रहे स्कूली वाहन। हिसार में आरटीए विभाग के अधिकारियों की माने तो इस साल जनवरी से लेकर जून तक विभिन्न स्कूलों के 83 वाहनों के चालान काटे हैं। इनमें से 80 चालान फिटनेस पासिंग की शिकायत पर काटे गए हैं। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने जीएलएन नहर में लगाई छलांग, विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा। रोहतक में सिपाही ने नहर में छलांग लगाने पर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सुरक्षा बल नहर पर सिपाही की तलाश में जुट गए। रात भर प्रयास किया लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। आषाढ़ अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु ने किया पिंडदान। पवित्र पांडु पिंडारा सरोवर में लगाई डुबकी। पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युद्ध के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। दक्षिण दिल्ली से आईजीआई एयरपोर्ट जाना होगा आसान। मेट्रो हब के रूप में विकसित किया जाना रहा तुलकाबाद। 23.6 किलोमीटर लंबे एरो सिटी तुगलकाबाद कॉरिडोर के भूमिगत हिस्सों पर काम जारी है। यह कॉरिडोर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को वॉयलेट लाइन से जोड़ेगा। इसमें 15 स्टेशन होंगे जिसमें 4 एलिवेटेड व 11 भूमिगत होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मिलेंगे हाथरस पीड़ितों से। हादसे में गई थी 121 लोगों की जान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलेंगे। वे हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। 2 जुलाई को हुए इस हादसे में 121 लोगों की जान गई थी। फिदायीन हमले की बरसी से पहले अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त। होटल और धर्मशालाओं पर विशेष नजर। फिदायीन हमले की बरसी से पहले अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया है। खुफिया विभाग भी सतर्क है। होटल और धर्मशाला में रुकने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। यूपी में अब हर साल होगी मोटो जीपी रेस। आईआईडीसी और डोरना स्पोर्ट्स एसएल के बीच हुआ समझौता। यूपी में 2025 से हर साल मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। मुख्य सचिव आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मोटो जीपी को यूपी में लाना न सिर्फ राज्य को वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान देगा बल्कि पर्यटन हॉस्पिटैलिटी तथा संबंधित क्षेत्रों में विकास भी होगा। हेड कोच बने रहने के लिए राहुल को रोहित ने किया फोन। द्रविड ने खुलासा करते हुए कहा बोला बस एक आखिरी बार। भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड को उनकी विदाई मैच पर रोहित शर्मा ने बड़ा तोहफा दिया। वेस्ट इंडीज में खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने 17 साल बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। गुरुवार को जब विश्व विजेता टीम भारत लौटी तो उसका भव्य स्वागत किया गया। विक्ट्री परेड के बाद राहुल द्रविड ने फोन कॉल का खुलासा किया। 2007 एक अलग एहसास है, यह है ज्यादा खास। रोहित शर्मा ने किया खुलासा। विक्ट्री परेड के दौरान कही दिल की बात। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत को 2007 की जीत से ज्यादा खास बताया है। रोहित ने कहा कि वे 2007 में बतौर खिलाड़ी टीम में शामिल थे। इस बार उन्होंने टीम को अपनी कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। बैरल तूफान के चलते भारतीय टीम 3 दिन बाद गुरुवार को स्वदेश लौटी।